हर साल मेरे नए साल की शुरुआत एक नए उम्मीद से होती है, पर इस साल की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी और इसका कारण है ये वीडियो। बात अगर शुरू से शुरू करें तो मुझे सनराइज और सनसेट से कुछ अलग ही ऑब्सेशन है। एंड देन वन डे आई फाउंड आउट अबाउट मांगे तुंगी ट्रैक। मतलब सोचो ना, हम टॉप से 2023 का लास्ट सनराइज देखेंगे, क्या ही सही सीन होगा वो, है ना? So, last and the first trek of this year, निकल रहा हूँ अभी मांगी तुंगी पिनेकल। Let's see how it goes। और हर बार लेट निकलने के डर की वजह से इस बार मैं थोड़ा ज्यादा ही जल्दी निकल गया, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। और आज ही ट्रेन ने ओके, सो द ट्रेन विल बी हियर इन फ्यू मिनट्स। क्या इंग्लिश झाड़ रहा हूँ मैं। सो ट्रेन आ रही है, इतने टाइम से रुका था मैं। ट्रेन आज काफ़ी लेट है, बट कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। एंड अभी आईफोन की क्वालिटी अच्छी लग रही है यार। तो वीडियो विल बी आउट सून, तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस ट्रैक पे मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ है शुभम। इसे आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा। और ये उसके दो दोस्त, जिनको अब तक तो मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि इनको इसे सोने नहीं देना है। सो शार्प 1 बजे हम पहुँचते हैं कसरा, और हमें लेने के लिए आई थी, छोटे मोटे गाड़ी से नहीं ट्रैवल कर रहे, हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑडी से। आपण आता कसार आला आणि मी खूप झोपेमध्ये आहे, मला सध्या खाऊ दे। इथून कुठे झालं आपण, किती वेळ लागणार आपल्याला? आपल्याला ना 4 तास लागतील। पर हमारा 4 घंटे का सफर कब 6 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। सनराइज शुभम, काय बनायचं तुला सनराइज बदल, कसा वाटला सनराइज? सनराइज एक दिसतोय का बाई, इकडलं खालून बसलेलं बसलं चंद्र दिसतं आपल्याला, सनराइजचं काय माहिती, सनसेट बघू आपण आता येताना। नाही सोबत आम्ही नेहमी येतो बाई, सनराइज नाही बघायला भेटत। झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, पर फिर भी सनराइज की छोटी सी उम्मीद लगी, हम निकले ट्रैक करने। यू हैव स्टार्टेड, और सबसे पहले हम है अभी, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबसे लास्ट भी हो जाएंगे। स्टार्ट में है ना, इसलिए हम सबसे आगे है। 3500 स्टेयर्स चढ़ने हैं, 3 3 9 9 9 9 चढ़ के हो गए। ओके सो देखते कैसा होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस जगह की इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सो मांगी तुंगी पिनेकल अप्रोक्स 4340 फीट ऊंचा माउंटेन है, और यहाँ हमें 3500 स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं। मांगी तुंगी इज अ पिलग्रिमेज प्लेस, ऐसा माना जाता है कि हजारों जैन संत को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति मिली थी। तो इस जगह का क्लोज कनेक्शन है भगवान राम और देवी सीता के कहानियों से। 1 मिनट पहले मैंने बोला था ना कि हम सबसे आगे और सबसे लास्ट जल्दी आ जाएगी। इतने जल्दी आएगी ये भी नहीं पता था, ये सर की वजह से अब सब आगे निकल चुके हैं। एंड हम है अभी पीछे, यस। तो देखा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा होता है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कभी नहीं होता, जैसे कि ये ट्रैक और ये प्यारा सा सनराइज। 50 पर मैं हालत जानूँ। टीचर असने तो अपना पूर्ण अनुभव वापरत कर्तव्य करता दे। अरे बेशरम लोगों का, माला वाले वरती आता नहीं, तेज थाम ले। टारगेट है कि ये जो नाम है वहाँ तक। चल शुभम चलो कर। अरे पापा चल चल, वीडियो में आपको लगा ना अपन मोटे टेढ़े खूब। ये जो आपको दिख रही सामने से गाड़ी जा रही, ये यहाँ तक छूटती, फिर यहाँ से आपको आई गेस 2000 स्टेप्स और चढ़ने, मतलब अभी तक हमने 1000 स्टेप्स भी कंप्लीट नहीं किए। सनराइज ना मिलने के कारण हमारा ट्रैक करने का मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो था, बट अगर डिसाइड किया है तो पूरा करना पड़ेगा। चल रहे, और ऐसे ही हार ना मानते हुए हम पहुंचे अपने ट्रैक के अंतिम पड़ाव पे। A few minutes later, थोड़ा सही बचा है, थोड़ा बहुत थोड़ा, लेट्स सी कितना टाइम जाता है। हमारा पहले सर सनसेट बगाचा होता, तो हमें सनसेट नहीं सनराइज देखना था। बगल में बैठना, हाँ चढ़ता ना, आपकी लागली बर रहा, पर आता तो वर्तेलर मस्त वाटते, एकदम ठंडा हवा है। ठंडा हवा तो नहीं है सर, हाँ ये मस्त हवा है, ठंडा वीडियो मध्ये दाखवलं ना आपण मोठे टेडे, थंड तर नाही, हवा येते ते मान्य करतो। शिडी आहे का मस्ती ही ओनली
ओनली दिस मच। और इन्हीं छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स चीजों को पार करते हुए हमने हमारा ट्रैक कंप्लीट किया। बस यहाँ से उतरते हुए थोड़ा सा चौकन्ने रहे, बस थोड़ा सा चौकन्ने। तुम जैसा सोचते हो ना वैसा हर बार होना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हें जो मिले उसमें तुम्हें सुकून ढूंढना चाहिए। और यहाँ उस सुकून के पल में मैंने सोचा कि ये साल भी मेरा कुछ इस ट्रिप के तरह ही गया। शुरुआत थोड़ी ऑफ थी पर खत्म होने तक सब सही हुआ।